भारत की भूमि के जितने संत हुए इन्होंने पूरे राष्ट्र को केवल भक्ति का बल प्रदान किया, और वो बल बहुत जरूरी है। जो हमने परमात्मा को दिया है वो परमात्मा ने हमको दिया है। मेरी जीजियों, पंडरपुर के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, इस संसार सागर में जन्म लेने के बाद हम जो दे रहे हैं वो हमको प्राप्त होना ही है। कई लोग आप पर हंसेंगे, कहेंगे क्यों अपना समय बर्बाद करने के लिए जाते हो, 3 घंटे क्यों कथा में जाकर बैठ जाते हो, कीर्तन होता है तो उसमें मंजीरा बजाते रहते हो, मृदंग बजाते रहते हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, मंदिर जाते हो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो। कई लोग आपको मिलेंगे और एक ही बात कहेंगे कि इसमें अपना समय बर्बाद मत करो, अपना काम करो। हम कहते हैं, हमने कभी भी अपनी व्यासपीठ से यह कभी नहीं कहा कि तुम अपना घर छोड़ दो या काम छोड़ो। कभी बोला इस व्यासपीठ से, आप लोगों ने इतनी कथा सुनी, कभी आपसे कहा कि अपना घर छोड़ दो या अपना काम छोड़ दो? खूब काम करो, अपने परिवार में रहो, अपने परिवार के साथ रहो, अपने कुटुंब नातेदार रिश्तेदारों के साथ रहो, मना नहीं है। पर संत नामदेव जी जैसे, संत तुकाराम जी जैसे, संत ज्ञानेश्वर जैसे, संत मुक्ताबाई जैसे, संत रामकृष्ण परमहंस जैसे, संत मीराबाई जैसे, अपनी जिंदगी को जियो, घर में रहो, परिवार में रहो, और परिवार में रहकर भी भगवान का इतना भजन करते रहो कि हरि विट्ठल तुम्हें गले लगाने के लिए आ जाए, इतनी भक्ति करते। घर छोड़कर संत बने तो क्या बने? संत नामदेव जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, संत तुकाराम जी अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, मीराबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बने, कर्माबाई अपना घर छोड़कर संत नहीं बनी। घर छोड़कर संत बनने की यहां वर्णन किया ही नहीं है, क्योंकि मेरे भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ते। कई लोग कहते हैं हमने शंकर जी के लिए अपना घर छोड़ दिया। शंकर जी तुझे कहने के लिए आए थे कि तू घर छोड़? शिव कभी कहने के लिए नहीं आते कि तुम अपना घर छोड़ दो, तुम अपना परिवार छोड़ दो, तुम अपने कुटुंब छोड़ दो, तुम अपने रिश्ते छोड़ दो। शिव तो कहते हैं कि जैसे मैं अपने परिवार के साथ रह रहा हूँ, गणेश जी मेरे साथ हैं, कार्तिकेय मेरे साथ हैं, अशोक सुंदरी मेरे साथ में है, पार्वती मेरे साथ में है, मेरी 5 लड़कियां जया, विशहरा, शामली, भारी, दौतली, देव, सब मेरे साथ, मेरा पूरा परिवार है। शिव कहते हैं तुम्हें घर छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम भी अपने परिवार के साथ रहो। शंकर कहते हैं जैसे मैं ध्यान में मग्न रहता हूँ, ऐसे घर में रहने के बाद भी तुम थोड़ी देर भगवान की भक्ति में मग्न रहो, इससे ज़्यादा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। घर छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, परिवार छोड़कर संत बनना उत्तमता नहीं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर, घर छोड़कर, परिवार छोड़कर चले जाना उत्तमता नहीं। अगर शादी करी है, विवाह करा है, परिवार में रह रहे हो तो पहले उनको संभालिए। अपना साधु जैसा जीवन आप घर में क्यों नहीं जी पाते? लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, लाखों की संख्या में पहुंचने के बाद आपसे कभी किसी ने नहीं कहा होगा, ना किसी ने दबाव दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनने चलना है, कोई ने प्रेशर भी नहीं दिया होगा कि तुम्हें कथा सुनना ही पड़ेगी। आपने कभी अपनी पड़ोसन से ये कहा
कि तुझे एक लोटा जल चढ़ाने जाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं गई तो सोच लेना। कभी ऐसा कहा? अरे बोलो तो जम के। नहीं कहा ना, मतलब किसी को कोई प्रेशर नहीं है, किसी को कोई दबाव नहीं है। तुम्हारा मन पड़े तो एक लोटा जल चढ़ाओ, तुम्हारा मन पड़े तो शिव महापुराण की कथा सुनो, तुम्हारा मन पड़े तो भगवान का दर्शन करो, तुम्हारा मन पड़े तो भजन करो। किसी पर कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। क्यों? क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि दबाव से कभी कोई काम नहीं होता। जिस बच्चे को माता पिता ज़्यादा प्रेशर देते हैं, पढ़ 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 पढ़, वो बच्चा का दिमाग पढ़ने में नहीं लगता। जब माता पिता एक बार उसको दिल से समझा देते हैं, बेटा तेरी पूरी जिंदगी इसी पढ़ाई में है, तुझे दिल से पढ़ना पड़ेगा, उत्तीर्ण होना पड़ेगा, नंबर अच्छे लाना पड़ेंगे, तो बच्चा समझ जाता है और अच्छी पढ़ाई कर कर आगे बढ़ जाता है। उसको समझाना पड़ेगा, प्रेशर नहीं देना, उस पर दबाव नहीं देना है। हमें उसको दबाना नहीं है, हमें उसे प्रेशर में नहीं रखना। जाओ भगवान की भक्ति करो, पर दिल से करो।